छोटी छोटी भूख लगती है उसके लिए एक स्नैक्स बनाएंगे, वो भी 2 आलू और 1 प्याज लेके हम बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट ऐसा ये बनाएंगे और इसका टेस्ट सेम पिज़्ज़ा को भी भूल जाओगे, इतना बढ़िया टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट वाला मैंने ये बनाया है, तो एकदम सॉफ्ट भी रहेगा और एकदम टेस्टी बनेगा। तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखना। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी भूख के लिए आप 5 मिनट में ये स्नैक्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, 2 आलू लिया है। तो प्याज और आलू को मैंने छील लिया है। अभी प्याज की मैं लंबी लंबी चीरी बनाऊंगी। तो एक ऑनियन लेके हम लंबी लंबी चीरियाँ बनाएंगे। एकदम आसान तरीका है और 5 मिनट में ये बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। एकदम इजी तरीके से मैं रेसिपी लिखाती हूँ आपको, तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो ये मैंने लंबी लंबी चिड़िया बना दी है, इसको मैं खोल दूँगी। तो हमको ऐसे ही बनाना है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी, तो मैंने कद्दूकस कर दिया है। इसके बाद मैं एक बाउल लूँगी, इसमें 1 कप मैदा ले लूँगी। अगर आपको गेहूं का आटा लेना है तो ले सकते हो। इसके साथ मैं 1 स्पून चिली फ्लेक्स डाल लूँगी, 1 स्पून हम ओरिगानो डाल देंगे, 1 स्पून हम पिज़्ज़ा सिजलर स्लो आता है वो डाल देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, 1/4 स्पून हम सोडा डाल देंगे, तो ये टाटा सोडा का है। उसके बाद 1/4 स्पून हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, इसका एक डो बनाएंगे हम लोग। तो बहुत ठीक भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, ऐसा हम डो रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स एकदम बढ़िया है। मैं पानी ऐड करके डालूंगी, आपको अगर दूध डालना है तो दूध भी डाल सकते हो, दूध से भी बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो आप ज़रूर से दूध भी डालना है तो डाल सकते हो। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको। तो ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। अभी इसके अंदर हम लोग जो प्याज और ऑनियन क्या बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप आपके हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाया है तो मैंने आलू और प्याज ही लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। अभी इसके अंदर हम बच्चे का और बड़े का दोनों का फेवरेट ऐसा चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चीज़ लूँगी, चीज़ आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैंने एक चीज़ क्यों बताया है, उतना ही चीज़ डाला है। तो हमको क्वांटिटी इतना ही ज़्यादा नहीं लेना है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी इसको वापस हम मिक्स कर देंगे, तो इसको अभी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमको। तो ये मिक्स हो गया है। अभी यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, तो मैंने नीलेप वाली ली है, उसके अंदर मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूँगी। हम इसके जगह पे बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल लिया है। इससे सारा बैटर हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ठीक भी नहीं, बहुत पतला नहीं, ऐसा हम बैटर रेडी करेंगे और इसको अच्छे से पूरे में फैला देंगे। तो एकदम गोल ऐसा हम पिज़्ज़ा जैसे लेके आते वैसा ही हम बनाएंगे, टेस्ट में भी वैसा ही लगेगा। अभी ये मैंने पूरा फैला के रख दिया है। अभी इसको हम ढक के 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स, ओरिगानो और पिज़्ज़ा सिज़लिंग डाल देंगे हम लोग, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अभी मैं ढक के रख देती हूँ, तो इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। ये 5 से 7 मिनट हो गई है, अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर से एकदम ड्राई हो गया है
ऑयल ऑयल भी ऑब्जर्व हो गया है। इसको हम पलटा देंगे। अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो आप थाली की मदद से भी कर सकते हो। दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये 3 से 4 मिनट हो गई है, अभी इसको हम निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हमारा पिंक कलर भी पकड़ा है और एकदम बढ़िया ऐसा हमारा ये नाश्ता बन गया है। तो अगर बच्चे को शाम को भूख लगती है, बड़े को कोई गेस्ट आ गया हो, तो ये आप बना के खिला सकते हो उसको भी। तो लुक तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, खाने में इतना ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। अभी इसको मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि कितना हमारा सॉफ्ट ऐसा ये बना है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो पिज़्ज़ा को भी भूल जाओ, ऐसा नाश्ता आज हमने बनाया है फ्रेंड्स। लुक वाइज यमी टेस्टी ऐसा हमारा स्नैक्स बन गए रेडी हो गया है। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। इसको आप चटनी या तो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।